नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल BS उत्तम स्टडी में। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा दिए हैं, परीक्षा देने के बाद सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर का कॉपी जांच कब से शुरू करेगा, कितने दिनों में मैट्रिक इंटर की कॉपी जाँच की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इस चैनल पर हवा हवाई बात नहीं किया जाता है। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए, ओके। प्रूफ के तौर पर आप लोग देख लीजिए हिंदुस्तान का पेपर, ठीक है, 13 फरवरी 2022 पेज नंबर 8। देखिए इसमें क्या कुछ बताया गया है, हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे, ओके। तो थोड़ा आप लोग समय देकर के इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, ओके। देखिए कहा जा रहा है, जिले में कुल 12 केंद्रों पर होगी कॉपियों की जांच, तिथि निर्धारित, ओके। देखिए कहा जा रहा है 11 दिन में इंटर, 13 दिन में जांची जाएगी मैट्रिक की कॉपियां, यानी 11 दिन में इंटर की कॉपी जांच की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 13 दिन में जांची जाएगी मैट्रिक की कॉपियां, ओके। विस्तार से इस खबर में आप लोग बने रहिएगा, ओके। देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है, हम लोग पूरे विस्तार से इस खबर को जानेंगे। देखिए कहा जा रहा है इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच 11 दिन में तो मैट्रिक की 13 दिन में पूरी की जाएगी। देखिए कहा जा रहा है इंटर की परीक्षा अब महज सोमवार को बाकी यानी 17 फरवरी से शुरू है, ठीक है। और देखिए कहा जा रहा है इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन दोनों परीक्षा की कॉपियों की जाँच की तैयारी शुरू कर दी है, ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। देखिए कहा जा रहा है कॉपियों की जांच को लेकर मूल्यांकन केंद्रों के निर्धारण के साथ जांच की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिले में कुल 12 केंद्रों पर इंटर और मैट्रिक की कॉपियों जांच होगी, ओके। मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच होगी। इस बार दोनों ही परीक्षा की कॉपी जांच के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, पूरी खबर में आप लोग बने रहिएगा। देखिए कहा जा रहा है 6 केंद्र इंटर मूल्यांकन तो 6 केंद्र मैट्रिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं, 26 से इंटर तो 5 से मैट्रिक की कॉपियों जांच होगी। देखिए ध्यान से देखिए, बड़ी खबर है मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों के लिए। देखिए 26 फरवरी से इंटर की कॉपी जांच और 5 मार्च से मैट्रिक की कॉपी जांच की जाएगी, ओके। यानी शुरू होगी 26 से इंटर की कॉपी जांच, 5 मार्च से मैट्रिक की कॉपी जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में लगभग 2500 परीक्षक दोनों कॉपियों की जांच के लिए जो कि प्रतिनियुक्ति होंगे, ओके। और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कॉपियों की जाँच में पारदर्शिता बरतने व सही ढंग से जांच के लिए गाइडलाइन जारी किया है, ओके। देखिए कहा जा रहा है इंटर जो कि 8 मार्च हुआ, मैट्रिक की कॉपी जांच 17 मार्च तक जो कि समाप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंटर 8 और यहाँ पे देखिए मैट्रिक की कॉपी जांच 17 मार्च तक, यानी इंटर का कॉपी जांच 8 मार्च तक समाप्त हो जाएगी, बड़ी खबर है। और मैट्रिक की कॉपी जांच 17 मार्च तक समाप्त हो जाएगी। और रिजल्ट की बात किया जाए तो इंटर का रिजल्ट जो कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक जारी हो जाएगा और मैट्रिक का रिजल्ट जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। और देखिए मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच के लिए देखिए केंद्र बनाए गए हैं, आप लोग देख लीजिए, इंटर की जो कि एक इन केंद्रों पर कॉपी जांच होगी और मैट्रिक की इन केंद्रों पर कॉपी जांच होगी। तो ये बड़ी खबर था और मैं आप सभी को प्रूफ के साथ बताया हूं, ठीक है। ये हिंदुस्तान पेपर का आर्टिकल है, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, वीडियो के नीचे रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है। इसी तरह से आप लोग न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।